न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उरई में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 7 जनपदों की जनता को सिर्फ लाभ ही नहीं होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सुगम होंगे। आपको बताते चलें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उरई तहसील के कैथेरी गांव में फरवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था। एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा हुआ, जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 14,850 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और आगे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरैल तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिला हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सांसद रामाशंकर कठेरिया, विधानसभा अध्यक्ष सतीश के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विराट 24 न्यूज के लिए सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है, जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। एक ऐतिहासिक दिन है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है।